आप देख रहे हैं हरियाणा टुडे, अपना प्रदेश अपना चैनल। सड़कों पर यमदूत बनकर कहर बरपा रहे ओवरलोड वाहन चौतरफा चोट पहुंचा रहे हैं। इनके कारण हो रहे हादसों और मौत से लोग बुरी तरह डरे और सहमे हुए हैं, लेकिन सरकार पूरी तरह बेबस है और चाहकर भी इन पर नकेल नहीं कस पा रही है। अब बात करें रेवाड़ी की, तो जिले की सड़कों पर बेलगाम दौड़ रहे इन यमदूतों पर शिकंजा कसने में भले ही सरकार और जिला प्रशासन दम भरते नहीं थक रहा हो, लेकिन स्थिति आज भी वही ढाक के तीन पात वाली दिखाई पड़ रही है। सुबह हो या शाम, हर वक्त लोगों पर इन यमदूतों के खतरे का साया मंडराता रहता है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि कितनी तेजी से ये ओवरलोड वाहन शहर की सड़कों पर सरपट दौड़ रहे हैं और प्रशासन सब कुछ देखकर भी आंखें मूंदे मूक दर्शक बना बैठा है। इतना ही नहीं, ये यमदूत पुलिस अधिकारियों के वाहनों को भी टक्कर मारने से नहीं चूकते। सुबह स्कूल टाइम पर सड़कों से गुजरने वाले इन वाहनों के कारण लोगों में भय का माहौल बना रहता है, जिससे लोग भी प्रशासन को बुरी तरह कोस रहे हैं। सर, ओवरलोड पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि आरटीओ डिपार्टमेंट पुलिस प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है, जिससे कि हमेशा जनहानि होती रहती है। ये ओवरलोड डंपर पब्लिक को मारने से भी नहीं सकते, वे पुलिस प्रशासन की जिप्सियों को भी टक्कर मारते रहते हैं, फिर भी पुलिस उचित कार्रवाई इन ओवरलोड डंपरों के प्रति नहीं करती। वे मॉर्निंग में स्कूल बसों का टाइम रहता है, उसी टाइम ओवरलोड डंपर के चालक नींद में रहते हैं, जिसके कारण के कोई भी बड़ा हादसा होने की संभावना रहती है। पहले भी हमेशा ये मुद्दा रहा है अपना, जो ओवरलोड डंपर अपना सुबह और शाम और रात को, बीच में प्रशासन कहता था हमने बहुत सख्ती कर रखी है, पर सख्ती नजर नहीं आती है कुछ भी। अब भी सुबह चले जाओ स्कूल, बच्चों का स्कूल टाइम होता है, डंपर लगकर प्रेशर लेके जा रहा है, कोई रोड़ी लेके जा रहा है, कोई बजरी लेके जा रहा है, और शायद इतना ओवरलोड होता है, स्पीड पूरी रखते हैं ये भी अभी भी। ऐसे ना कुछ हादसे, जब तक हादसा ना हो तो गवर्नमेंट तब तक मानती नहीं कि भाई कोई भाई डंपर जा रहे हैं नहीं जा रहे। हालांकि शीर्ष अधिकारियों ने 9 माह में व्यवस्था बदलकर कार्रवाई के नए नए तरीके भी सुझाए। सरकार ने आंखें बंद कर उन पर अमल भी किया, लेकिन एक एक कर सारी कोशिशें फेल हो गई, तो ओवरलोड वाहनों के मालिक और बेखौफ हो गए। हादसों के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, सड़कें टूट रही हैं, चौकी थाने नाके और अफसर नाकाम हुए तो सरकार को खुद सड़कों पर उतरना पड़ा। परिवहन मंत्री ने स्वयं नाकों का जायजा लिया। अब अधिकारी कह रहे हैं वे समय समय पर एक वाहनों की धरपकड़ के लिए नाकेबंदी कर कार्रवाई करते हैं, लेकिन तस्वीरों को देखकर धरातल पर ऐसा कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। देखिए, जैसे अभी आप संज्ञान में लाए कि जो इंटरनल रोड्स हैं रेवाड़ी जिले के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के, वहाँ पर स्कूल के आगे से, जैसे आपने बताया कि तकरीबन 8-10 व्हीकल एकदम से निकल रहे हैं बैचेज में, तो अब उसके बाद हम क्या करेंगे कि अपनी सरप्राइज विजिट के साथ इंटरनल रोड्स की भी चेकिंग करेंगे। अभी हमारा फोकस जैसे हाईवेज पर रहा था, जो कि गवर्नमेंट का फोकस ज्यादा था, इंटरनल रोड्स के लिए ही हम अलग से मुहिम चलाएंगे। अब देखना होगा कि सरकार आखिर इस मामले में क्या बड़ा फैसला लेती है, क्या इन पर नकेल कसी जाएगी या फिर सड़कों पर मौत का खूनी खेल यूं ही जारी रहेगा। हरियाणा टुडे के लिए रेवाड़ी से अजय अत्री की रिपोर्ट।